क्या नियाज का खाना जायज़ है? मुहर्रम या मुहर्रम के अलावा हमारे सुन्नी भाई जो नियाज करते हैं, इसका क्या हुक्म है? क्या नियाज का खाना जायज़ है या नहीं? परवेज़ अली नवाबशाह से पूछते हैं, भाई ये जो नियाज वग़ैरह के खाने हैं ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम से साबित नहीं है। क़ुरान मजीद ने जो हमें हुक्म दिया है, वयुत्इमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीमा व असीरा, सूरत दहर में, कि हमारे जो नेक बनते हैं, नेक बंदे वो मिस्कीनों को, गरीबों को और कैदियों को हमारी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। तो इसमें अल्लाह ने कोई दिन मुतय्यन नहीं किया कि 11 तारीख को हो, फ़लानी तारीख को, पूरे साल आप जब चाहें किसी भी गरीब को खाना खिलाएं, लोगों का ख्याल करें, अल्लाह इससे राज़ी होगा। वो यही सदक़ा है जो इस्लाम में है। इसके अलावा कोई और टेक्निकल किस्म के जो खाने हैं, ठीक है, बाज़ लोगों के पास इसके दलाइल होंगे, लेकिन हमारे इल्म में वो दलाइल हमें समझ में नहीं आते। उलमा की एक बहुत बड़ी जमात को वो दलाइल समझ में नहीं आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो हमारे दीन में से नहीं थी तो वो रद्द है, वो मरदूद है। एक रिवायत में मरदूद का लफ्ज़ भी आया, उसको छोड़ दो। तो जिस तरह सहाबा इकराम गुरबा और मसाकीन का ख्याल किया करते थे, इसी तरह आप भी कर लिया करें, अलग से कोई स्पेसिफ़िक नाम देकर और तारीख़ें मुतय्यन करके इस तरह के खानों का इंतज़ाम ना करें, और कोई अगर करता है तो आप उसमें शिरकत ना करें।